हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएम सेलिब्रिटीज़ में। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर सोमवार को रिलीज़ हो गया। इनके फैंस इसका बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। इससे लेकर इतनी दीवानगी थी कि यूट्यूब पर अपलोड होने वाले शुरुआती 20 घंटों में ही 2.5 करोड़ से ज़्यादा इसे देखा गया। ये फिल्म 24 जुलाई को OTP प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होंगी। 24 घंटे के अंदर इस फिल्म के ट्रेलर को यूट्यूब पर 4.5 मिलियन लाइक्स मिले हैं, जो कि हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से कई ज़्यादा है। DN एयरपोर्ट की माने तो मेगा बजट फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने 3.6 मिलियन लाइक्स हासिल किया था। इसी के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये सर्वाधिक पसंद किया गया ट्रेलर बन गया है। बॉलीवुड के भी कई स्टार जैसे कंगना रनावत, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान ने भी इस फिल्म की जम के तारीफ की है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसी के साथ फैंस अपने स्टार को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, जिसके लिए फैंस फिल्म पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। ट्रेलर का रिकॉर्ड देखते हुए लग रहा है कि जिस तरह से दर्शक प्यार दिखा रहे हैं, उससे आने वाले समय में ये फिल्म और कई रिकॉर्ड बनाएंगी, जो सभी हैरान करने वाले रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। बता दें कि दिल बेचारा के ट्रेलर में सुशांत सिंह राजपूत के कुछ ऐसे डायलॉग है जिसे सुनते ही आपकी आँखें भर आएंगी। ट्रेलर के एक सीन में सुशांत सिंह राजपूत कहते हैं, जन्म कब लेना है और कब मरना है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर जीना कैसे है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। दिल बेचारा के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की बतौर डायरेक्टर ये पहली फिल्म है। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट में संजना सांगी है। संजना सांगी और सुशांत सिंह राजपूत की जोड़ी दर्शक पहली बार स्क्रीन पर देखेंगे। ये फिल्म अमेरिकन फिल्म द फॉल्ट इन आवर स्टार्स का हिंदी रीमेक है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होकर भारतीय इतिहास में एक रिकॉर्ड कायम करे। इस फिल्म के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।